लाई राधा और चाट बनाइए, हम लोग भिगोए देंगे राधा रानी। अरे वाह अच्छी है कह रहे जोड़ी अच्छी लगती है, चेक करें। अच्छा मुँह वैसे होएगा। राधा मीठी चटनी अच्छी बनाती है, तुमने तो बताई था वैसी बना बना ना सही। 10 में से 10 आप लोग बताना। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग और आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। राम राम जी, कैसे हैं आप जरूर बताना। यहाँ पे राधा मटर चाट लेके आई थी, फिर क्या थोड़ी सी चाट थी तो सभी को अच्छी लगी। फिर इन्होंने बोला कि प्रीति मेरे लिए भी बना दो, बच्चों ने बोला मम्मी बना लो घर में भी, तो मैंने राधा लेके आई थी रात को। फिर मैं सुबह उठी, मैंने रात को ही मटर भिगो दी थी और उसमें 2 आलू डाल दिए थे। यहाँ पे थोड़ा तेल दिया और उसमें अदरक डाली, हरी मिर्ची डाली थोड़ी सी, और जो मटर मैंने उबाली थी आलू और मटर, वो मैंने सिर्फ मटर को तड़का दिया, आलू को ऐसे ही रख दिया। इसमें हल्के हल्के मसाले डाल दें, नमक मिर्ची और कुछ भी नहीं डालना है। ये देखिए इसमें थोड़ा सा पानी जो, और इसको थोड़ा सा दबा देना है, थोड़ी सी ये मिक्स हो जाए, मटर ऐसी साबित ना रहे थोड़ी सी। और अमचूर डाल दिए क्योंकि इमली नहीं है मेरे पास, ना इमली का पानी है, चाट में खट्टापन ना हो तो वो चाट का मज़ा नहीं आता। तो इसे बस अमचूर डाल के नमक डाल दिया, हरी मिर्ची और अदरक डाल के इसको तड़का दिया था, बस ये हमारी तैयार है। इसको साइड से रख देते हैं। आलू जो मैंने उसमें मटर में उबाले थे, उस आलूओं को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और उसके लिए मैंने टमाटर, हरी मिर्ची और तीनों चीज़ें काट के रख ली। उधर मटर मेरी तैयार है, आलू को अच्छे से लेस बना लूँ जो अच्छे से उनमें हो जाए। आलू में हल्के हल्के मसाले, मतलब चटक मसाले किसी में नहीं डालने, सब में फीके फीके रखने हैं, नामात्र के मसाले डालने हैं जो मतलब हल्का स्वाद आए। उधर मैंने तवा रख दिया नॉनस्टिक वाला, उस पर थोड़ा सा तेल मैंने डाला, थोड़े से तेल में बन जाती है। और मैंने अरारोट थोड़ा सा लिया है, उसमें मैंने ये आलू की टिक्की, आलू में प्याज याज कुछ भी नहीं डाला है, ये टिक्कियाँ बना रही हूँ मैं। थैली में अरारोट थोड़ा थोड़ा लगाया है, ज़्यादा नहीं लगाया है। तो ये हमारी देखिए इस संडे वाले दिन इनकी मैंने मौज कर दी, बहुत खुश हो गए थे, खूब अच्छे से पेट भर के लोगों ने खाई। तो एक बार में 5-6 टिक्की इस तवे पे आ जाएंगी। अच्छे से लोइयाँ चिकनी करके बना लेनी है, आटे को अच्छे से मिक्स करना है जो उसमें लेस आ जाए। आपकी लेस अच्छे से आ जाएगी तो टिक्कियाँ अच्छे से ही बन जाती हैं। और देखिए मैं खुद की तारीफ़ खुद नहीं कर रही हूँ, तारीफ़ की कोई बात नहीं है, बस आप लोगों को बता रही हूँ मैंने कैसे बनाई कैसे नहीं बनाई है। तो देखिए मैंने थोड़े से तेल में सारी टिक्कियाँ, टिक्कियों को सिकने में टाइम लगता है, तब तक मैंने बर्तन वर्तन धो लिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें बनाते हैं ना बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। और मतलब और भी कुछ बनाया है, वीडियो में बने रहिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नए आए हैं, पुराने हैं उन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, उनका तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि मैं आगे बढ़ूंगी तो आप सब आगे बढ़ेंगे। और कहते हैं ना एक बूंद बूंद से खड़ा बढ़ता है, तो बस। और मैं सबको जानती हूँ, मतलब कौन कब से सपोर्ट कर रहा है, कब से देख रहा है, तो अच्छा लगता है। देखिए टिक्कियाँ खूब अच्छे से सिक गई हैं, पलट पलट के इन टिक्कियों को अच्छे से सेक लेना, देखिए कलर कितना प्यारा आया। आपको इनको और डार्क करना और करारी करना आप कर सकते हैं। और इनको मैंने थोड़ा पलट पलट के इनको 2-3 बार सेखा, अच्छे से सिक गई हैं। और ये देखिए एक तरफ ही नहीं, मैंने दोनों तरफ आपको कर करके मैंने ये देखिए दिखाई हैं। ये देखिए मैंने मतलब एक प्लेट में 4 टिक्की रख के काफ़ी भर के प्लेट बनाई थी। मैं सोच रही थी पत्ते और मिल जाते, मतलब एकदम से लगती ना रेडी वाली की जैसे, और सब खुश हो गए थे। अब इसे करते हैं तैयार। तो 4-5 टिक्कियाँ लिए, इस पर थोड़ी सी अदरक डाली है, हरी मिर्ची, प्याज, टमाटर, मैंने 2 भुजिया के पैकेट मंगाए थे। अब जो मटर मैंने फ्राई की थी, मटर के बिना चाट का क्या मज़ा। टमाटर डाले हैं और मीठी चटनी आप घर पे बना सकते हैं, पर मैंने मीठी चटनी के जगह सॉस यूज किया है, दही किया है, दही भी बहुत ज़रूरी होता है। रात को ही मैंने दही जमा दिया था, यहाँ पे टमाटर सॉस डाल दिया, आप चाहें तो अपनी चटनी बना सकते हैं, मैंने चटनी बनाना भी शेयर किया है। थोड़ा सा प्याज, और अब इसके ऊपर जाएगी जो हमने भुजिया मंगाई है वो। ये देखिए बहुत ठेले वाले से भी अच्छी बनती है और मन खुश हो के खाया जाता है। और मैंने जो अमचूर का पानी बनाया था ऊपर से पानी डाल देंगे, चाट मसाला डाल दिया है, अमचूर डाल दिए, हल्की सी मिर्ची डाल दी है, हल्का सा ऊपर से नमक डाल दिया है और जंजीरा डाल दिया है। ये सारी चीज़ें डाली हैं, अब इस पर थोड़ा सा उसका पानी डाल देंगे, ये मिर्ची, और एकदम आपकी चाट ठेले वाली तैयार है, यकीन मानिए।
आप मेरे कहने से ट्राई करिए, फिर मुझे कमेंट में बताइएगा। बहुत अच्छी लगती है ये, देखिए जितनी देखने में सुंदर लग रही है ना, उतने खाने में भी सुंदर है। बच्चे हों चाहे ये हों, बहुत अच्छा लगा था इन्हें। तो बस तारीफ़ नहीं है, बस थोड़ा सा वो है। तो यहाँ मैंने चाय बनने के लिए रख दी, और चाय बनने के बाद इन लोग फरमाइश थे कि प्रीति चटपटा तो कर दिया, कुछ मीठा भी खिला दो। तो मैंने बोला ठीक है, आज मुझे कुछ ज़्यादा ही मतलब खुशी हो रही थी, तो मैंने जलेबी बनाने की तैयारी कर दी। ये मैदा मैंने 2-2.5 घंटे भिगोई थी, वैसे रात भर भिगोगे तो और अच्छी जलेबी बनेंगी। और मैं फ़र्स्ट टाइम जलेबी बना रही हूँ, कुछ गलती हो गई तो माफ़ कर देना, कोई मैं परफेक्ट नहीं हूँ। देखिए मैंने थोड़ा सा इसमें घी डाला है, और थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे, एकदम पानी करके नहीं डालेंगे। और दही डाला है मैंने, थोड़ा नमक, थोड़ा घी और दही। खट्टे के बिना जलेबी अच्छी नहीं बनती है, दही खट्टा होगा जितना उतना ही अच्छा लगे। नमक थोड़ा सा डालना, नमक के बिना भी जलेबी अधूरी है। मैंने नमक डाल दिया, इसको अच्छे से फेंट देंगे। दही भी डाला है और थोड़ा थोड़ा करके पानी डाला। घी डालना भी बहुत ज़रूरी है, और इसे फेंट के मैंने भिगो के रख दिया था 2-2.5 घंटे बाद। 2-2.5 घंटे बाद देखिए आप लोगों को दिखाऊं, 2-2.5 घंटे बाद हमारा ऐसा पेस्ट तैयार हुआ है। इसमें एक भी गांठ वगैरह नहीं होनी चाहिए। जलेबी बनाने के लिए मैंने दूध की थैली का उपयोग किया, आप चाहे तो कपड़े वगैरह का कर सकते हैं, मेरे पास ऐसा कपड़ा कुछ था नहीं। इसमें डालेंगे अब इनो। पहले मैंने 1 किलो की थैली ली, फिर मैंने आधी किलो की में बना दिया था, और काफ़ी सारी मैंने जलेबियाँ बनाई थी। ग्लास में थैली रखिए, गंदगी नहीं फैलेगी, मतलब डायरेक्ट उसी में जाए, नहीं तो एक एक चम्मच करके डालेंगे ना बहुत फैलेगा। पहले मैंने चम्मच से उसमें जगह बनाई, और फिर इसमें इनो डाला है अभी, और फिर इसको अच्छे से एक साइड से ही फेंटेंगे, दोनों साइडों से नहीं फेंटेंगे। बहुत आसान है, बस सेफ का थोड़ा सा वो रहता है, और कुछ भी नहीं। और मैंने कहा जितना मतलब जलेबी का जो ग्रेवी है जितनी देर तक रखी जाएगी उतना ही अच्छा रहेगा, और इसमें गांठें ना हो। देखिए मेरी में बिल्कुल भी गांठें नहीं हैं। थैली में करके छोटा सा छेद करेंगे, क्योंकि जब थैली पे हम जोड़ लगाते हैं उसका मुंह तो वैसे ही बड़ा होता जाता है, और मेरी का थोड़ा सा बड़ा मुंह कट गया था। तो आप लोगों को फिर मैंने तब भी मैंने बना ली थी, आप लोग कहें तो। ये देखिए जलेबी की डिज़ाइन देना इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि मैंने चावल की जलेबियाँ, चावल के पापड़ बनाए थे तो आपको याद होगा। उधर मैंने चाशनी बनने के लिए रख दी। देखिए जलेबियों के सेफ तो आ गई, थोड़ी जलेबी मोटी हो गई थी, अभी पतली ज़्यादा कर रहे थे तो पतली ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने तो मेरी तो मोटी है, ये बोल रहे थे प्रीति मोटी थोड़ी सी है जलेबी। मैंने बोला अब इससे पतली मैं नहीं कर सकती, फिर इन्होंने एक करी है वो दिखाएंगे। देखिए जलेबी की शेप तो बहुत अच्छी बन रही थी, पर इसके लिए ना फैली कढ़ाई होती ना तो और अच्छी। इसमें ना 4 जलेबियाँ बड़ी मुश्किल से बन रही थी, देखिए कितनी फूली फूली बना रही हूँ, फूली फूली बन रही हैं। देखिए उसमें पतली पतली लेस बनती है, फिर उसमें कितनी फूल जाती है। कलर के मैंने उसमें चाशनी में कलर डाला, आपके पास केसर है तो आप केसर डाल सकते, विदाउट कलर की भी बना सकते, पर बाजार जैसी बनाएंगे तो कलर चाहिए होगा। तो देखिए मैंने जलेबियाँ तली हैं इस तरीके से, सेब देखिए छोटी सी बनाती हूँ, फूल के मतलब एकदम से बड़ी हो जाती है। तो मैं चाशनी में डुबोती जा रही हूँ, चाशनी में मैंने नींबू डाल लिया था जिससे ये ना जमे, चाशनी ना जमे। और इस तरीके से चाशनी मेरी कम पड़ गई थी, दोबारा मैंने बनाई थी। देखिए ऐसे ही होता है ना मार्केट जैसा, मार्केट में कलर शायद डिज़ाइन वैसी ना बनी हो, पर स्वाद वगैरह राधा वगैरह सबको दिया, बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी। और मैंने थोड़ी बहुत नहीं बनाई थी, भर के प्लेट बनाई थी। अभी आप लोगों को दिखाऊंगी, सारी चाशनी में डुबो लूँ तब गरम गरम डुबोते जाएंगे, क्योंकि भगोना ये देखिए ये वाली पतली वाली है, तो पतली इन्होंने बनाई है, इन्होंने भी बोला था प्रीति मैं भी बना के देखूं, तो किसकी जलेबी अच्छी लग रही, मेरी या इनकी वाली पतली वाली। देखिए तो इनकी भी मैंने उसमें भिगो दी थी, बोले थे नहीं मेरी वाली भी भिगो देना, पतली वाली अलग ही दिख रही। ये प्लेट भर गई है, और दूध जलेबी तो होना ही चाहिए, बिना दूध जलेबी के तो अच्छा ही नहीं लगता। ये प्लेट भर गई है, मैंने दूसरी प्लेट भी तैयार कर ली, चाशनी कम पड़ गई थी, फिर मैंने दोबारा से चाशनी, ये देखिए बड़ी प्लेट मेरी तैयार है। गलत पकड़ने का तरीका, ये लो देखो इधर कैमरा में बोल चल रहा है, अब ले आइए लो सही से। कैसी बनी है? दूध नहीं ले रहे? No. लो तो रख लो जलेबी पकड़ो, मंच का तुम्हारा नंबर है, बच्चों ले लेंगे, ले तुम्हारा नंबर है, नंबर है। देखो आवाज आ रही, करा रही है कि नहीं है, खा के दिखाओ, आवाज आएगी मुंह से, खा के दिखाओ, आवाज आ तो रही है, फिर से खाओ यार, सोना रुक जा,
आवाज नहीं आई, बड़ी सिखाओ उसका ये सही से खाओ। हाँ सोना खाई तो आवाज आई। हाँ सोना खाओ, आवाज आई। यहाँ आ गई आटे की टंकी धोने के लिए। नीचे जगह नहीं, मतलब जगह तो है मतलब अच्छे से नहीं धुल पाती, तो मैं ना ऊपर ही धोने के लिए टंकी को आ गई थी। हवा भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही थी, वैसे भी सुबह शाम मौसम ठंडा हो गया, दिन में चाहे कितनी भी गर्मी पड़े रात को मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाता है। हम तो ऊपर ही लेटते हैं, तो इस वजह से मैंने आप लोगों को बताया। और कोई भी मतलब कमी हो तो आप लोग बताइएगा, आगे मैं उस चीज़ को और सही करने की कोशिश करूँगी। मम्मी यहाँ पे तैयार हो रही है क्योंकि आज सना का पेटी है। मैं 9:30 से 11:30 तक 11:30 देख लेना, उसमें लिखा था। सोना की वारी है कल परसों, एक दो दिन बाद तुम्हारी वारी है। मेरी अभी सोना होगी, मेरी तो 7 तारीख को खत्म हो गया एग्जाम। बारी तो आएगी ना। हाँ तुमने कैसे क्या किया है? मेरा अच्छा ही होगा। अच्छा होगा पता चलेगा ना, अच्छा है खराब है पता चल जाएगा। है ना सोना? सोना? वो। और मैं चली जाऊँ तो गेट बंद रखना, गेट नहीं खोलना। ये टीवी किसने बंद कर दी? मैंने बंद कर दी, वीडियो बना रही हूँ, आवाज नहीं आई, कॉपीराइट नहीं आएगा। अच्छा मैं चली जाऊँ तो अपने बना देखती रहना। सोना तो बोल रही थी मेरे को, तो मैम ने बहुत सारा बताया था, सारा बता दिया था मैम ने, बताया था। गर्मी इतनी ज्यादा है क्या ही। मम्मी जब छुट्टिया में अच्छी लगती है, सारे सफेद वाल हो गए मोबाइल में लेके जाऊंगी अपना। यहाँ पे मेरी चप्पल टूट गई है, जूते से काम चला रही हूँ क्योंकि इनको टाइम नहीं मिल रहा है, इनको मेरी चीज़ें पसंद नहीं आती, तो फिर मैंने बोला इनको टाइम मिलेगा तभी। और जब भी मैं स्कूटी पे बैठती हूँ पहले स्कूटी के हाथ पैर जोड़ती हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है, और भगवान का नाम लेती हूँ तभी मैं कुछ अच्छा काम या गाड़ी चलाती हूँ। सारे अलग अलग कमेंट आए, मैं किसी भी कमेंट को नेगेटिव वे में नहीं लूँगी, सभी आप मेरी अपनी फैमिली हो, आप अपनी अपनी तरीके से मुझे समझा रहे थे, सब कर रहे थे, तो मैं सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगी बहुत सारा। पर कुछ चीज़ को मैं कहे बिना रह नहीं पाती हूँ, ये आप लोग जानते ही हो। एक चीज़ बताइए, आप लोग बोलते हो कि नेगेटिव कमेंट वगैरह को छोड़ दो, कुछ लोग कहेंगे, पर कुछ लोग कहते हैं वो ठीक है, पर उसमें लाइक आप लोग कुछ लोग उसको कमेंट को करते हो तब लगता है। एक चीज़ बताइए, कल भी काम करते हुए मैंने क्या नॉर्मल चीज़ें पहनी थी, नॉर्मल सब दिख रहा था, नॉर्मल खाने पीने की चीज़ें बना, उसमें ओवर एक्टिंग कहाँ से आ गई? एक चीज़ बताइए कहाँ से, मतलब खाना बनाते समय ओवर एक्टिंग, ना इतनी बोल रही हूँ ना कुछ, बस काम करते करते मैं ओवर एक्टिंग कर रही हूँ। कुछ लोग हैं कुछ सोचते समझते नहीं, बस लिखे चल जाते, फिर उस पर इतने सारे लाइक, उसका रिप्लाई दो या ना दो छोड़ दो, पर लाइक इतने सारे आ जाते तो लगता नहीं सही है, सभी लोग ये सोच रहे हैं। जो लोग मतलब ओवर एक्टिंग करते हैं, मतलब कैसे कैसे वो करते हैं वो चीज़ें, वो उनको तो आप नहीं बोलते हो, मतलब कुछ भी काम करते करते उसमें भी ओवर एक्टिंग से काम कैसे कर लेंगे ये बताइए। काम में कैसे ओवर एक्टिंग, और कैसे मैं मुँह बना के कैसे बात करती हूँ, जैसे नॉर्मली आप लोग बात करते हो वैसे ही मैं बात करती हूँ। ये मैं कुछ लोगों के लिए बोल रही हूँ, सब लोगों के लिए नहीं बोल रही हूँ, सभी मेरी फैमिली अच्छी है, सभी लोग मुझे मैं चाहे गलती करूँ चाहे अच्छा करूँ, सब में आप लोग मुझे मोटिवेट करते हो, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता। पर एक चीज़ बताइए कहाँ से ओवर एक्टिंग दिखी, साड़ी पहनना ओवर एक्टिंग हो गई, पूजा पाठ करना ओवर एक्टिंग हो गई, कहाँ से? तो मतलब जो कमेंट ये करें ना वो अपने घर में और एनी टाइम ओवर एक्टिंग ही करते रहते होंगे। ये भी नहीं कि हाँ इतना सारा है तो मैं उसे ओवर एक्टिंग, हाँ जैसे गाँव में थी तो मतलब मेरे मोनिका की शादी थी उसमें हंसी मजाक कर लेती तो ओवर एक्टिंग। अरे तुम अपने घर में और उसमें हंसी मजाक कुछ नहीं करते हो क्या? कई बार मैंने चीज़ें कहा, इतना मैं वीडियो में नहीं दिखाती, मेरे घर आओ कभी, इतना मैं रियल में नहीं हूँ, आप लोग मुझसे मिलके खुश हो जाओगे, मैं इतनी दिल खुश हूँ।
कुछ भी टेंशन वगैरह होती है ना, पल में दूर कर लेती हूँ और हंसी खुशी से रहती हूँ, क्योंकि घर में फिर नेगेटिविटी होती है। हम दोनों हस्बैंड वाइफ में भी झगड़ा होता है ना, 10-5 मिनट का होता है, उसे हटा देते हैं, क्योंकि फिर पूरे दिन मुंह फुला के इधर से उधर घूमो, कोई वो नहीं, तो कहाँ से ओवर एक्टिंग आ जाती है पता नहीं। ये फिल्मी थो ना, जो उसमें भी एक्टिंग, और फिल्में भी लोगों बनाते हैं ना, तो उसमें भी रियल झलकता है, वो भी रियलपन दिखाते हैं। काम बर्तन धोने में तो ओवर एक्टिंग, इसमें तो जो करते हैं उनको तो बोलते नहीं हो, बताओ हद है, ओवर एक्टिंग करते होंगे ये अपने फैमिली के साथ, इसलिए बोल रहे हैं कुछ। अरे कुछ वैसे गलती करो तो समझ में आता है ओवर एक्टिंग, इससे बोलने में ओवर एक्टिंग। क्या मैं ओवर एक्टिंग रहती, शायद मेरे जैसे कोई भी यूट्यूबर नहीं रहता होगा। मैंने बाल बनाए हैं तो बनाए, ना मैं फिल्टर लगाती, ना मैं कुछ भी नहीं करती। मैं देखो मॉर्निंग ब्लॉग में सब लोग तैयार होकर, मैं तो जैसी हूँ वैसी दिखती हूँ, कोई दिखावा नहीं। अगर मैं खाना रसोई में फैला के बनाती हूँ तो वही दिखाती हूँ, जो हूँ मैं वही दिखाती हूँ। मेरे पति वो तौलिया में रहते हैं तो मैं वही दिखाती हूँ, कुछ भी फेक नहीं, क्योंकि यही होता है। मेरे पति नहीं सुनते, मैं बोलती हूँ बनियान पहनो, नहीं पहनते, इसमें क्या ओवर एक्टिंग। मैं तो सच सवर के भी नहीं रहती, अभी स्कूल जाना था तो इसलिए ये थोड़ा सा सिंदूर और लिपस्टिक लगा ली, नहीं तो वो भी नहीं। आप लोग बोलते प्रीति तैयार होके वीडियो बनाओ, तैयार होके बनाओ बनाओ, तो ये लोग तो खा ही जाएं। चलिए इस चीज़ को मैं ख़त्म करती हूँ, अपनी अपनी सोच है जैसा लिखे, मैं अब कमेंट से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाह कही बस, और ये कुछ लोगों के लिए था और सबके लिए नहीं था। और एक चीज़ कहना चाहूँगी, कल बहुत सारे कमेंट, इसको मैं बुरी तरह ऐसे मैं आप लोगों को ये नहीं बोल रही कि नहीं आपने ऐसे कुल्ले, नहीं अपनी अपनी है। कल बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे कि प्रीति मतलब कपड़े पहले बाद में धोने चाहिए थे, श्राद्ध के बाद फिर करना चाहिए। तो देखो डियर, मतलब मेरी सासू माँ, हम लोग ना सर धो के और नहा धो के कपड़े अपड़े धो के घर को एकदम स्वच्छ करके हम अपना श्राद्ध करते हैं। हमारे यहाँ पे ऐसे ही होता है, जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे ही करते हैं। हमारे यहाँ सर धोना श्राद्ध वाले दिन बहुत ज़रूरी होता है, नहा धो के कपड़े अपड़े धो के एकदम घर को झाड़ साफ सुथरा, बर्तन झूठे उठे माँज के तभी हमारे श्राद्ध डाला जाता है। श्राद्ध वाले दिन हमारे यहाँ सर धोते ही धोते, सर से नहाते हैं। अपने अपने यहाँ की अपनी अपनी रिवाज है, ठीक है। अब मैं आप लोगों के कहने से चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ जैसे होता है वैसे ही तो करेंगे। तो ये चीज़ थी, इसको मैं बुरे वे में नहीं ले रही। आप लोग बोले प्रीति अरे मैंने तो अच्छे के समझा, तो मैं भी अपनी कह रही हूँ, हमारे आगरा में तो ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। तो ये चीज़ें थी आप लोगों को बता दूँ। हमारे यहाँ कुछ भी हो, पूजा पाठ या कुछ भी, सर धो के ही करते हैं, नहा धो के सर धो के अपने कपड़े लिखते धो धोवा के तब ही करते हैं। तो बस ये था, और ज़्यादा मैं बात नहीं करना चाहूँगी, बहुत बातें हो गई। बच्चों के लिए मुझे रोटियाँ सेकनी है, टंकी ऊपर से लेके आनी है, और थोड़े से कपड़े हैं वो भी धोने हैं। तो अगली वीडियो मिलूँगी, और मैंने सब लोगों के लिए नहीं कहा कोई ओवर एक्टिंग। और फिर अगर आपको लगता हो, कुछ लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ, सबके लिए कुछ को लगता है ओवर एक्टिंग, तो भैया ठीक है, अगर लगता है ये सब आपके मन का वहम तो नहीं मिटा सकते, ओवर एक्टिंग तो ये ओवर एक्टिंग, काम करना ओवर एक्टिंग है, तो ठीक है भैया काम करना ओवर एक्टिंग है। मैं तो पागलों के जैसे रहती हूँ, कोई भी साथ नहीं रहता, सब कितने बंठन के रहते, मैं तो नहीं रहती। और इस सूट को 2 सालों से देख रहे हो आप, बताइए। चलिए जैसा है ठीक है, अपना अपना देखो ऐसे तन रही है मेरा। चलो बाय बाय, जो लोग बोलते हैं गलत बोलते हैं वो खुश रहें।